हमें नए अवसर प्रदान करता है। बदलाव को स्वीकारने और उसे अवसर मानने की सोच हमें नए और बेहतर नतीजों तक पहुंचाती है। इसे बुलाया जा सकता है कि अपना भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब एक सदी के बाद तकनीकी रूप से बदलती इसमें संसद के परिसर में एक नए भवन की आधारशिला रखी। नए भवन की आधारशिला रखते समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सुंदर संभाषण में कहा, साथियों, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। 64 गोलाकार इमारत से अलग इस षटकोणी भवन में अभी लोकसभा में 672 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की जगह होगी। लोकतंत्र के इस नए आलय को भारतीय रूपकों और प्रतिरूपों से सज्जित किया गया है। लोकसभा कक्ष की संरचना प्रति सजग हमारे देश में मेक इन इंडिया से प्रेरित भारतीय संसाधनों से बने इस ऊर्जा संरक्षित करने वाले नए भवन में कागज विहीन यानी पेपरलेस तरह से सारा काम होगा और हर सदस्य के स्थान से लोकतंत्र का यह नया भवन नई लॉबी और दिव्यांगों के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। द न्यू टेंपल ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। किंतु एक चीज बिल्कुल बिन बदली रहेगी, यहाँ भारत के लोकतंत्र की आत्मा। किसी ने कहा है ना, आत्मा का दर्शन ही भारत के दर्शन की आत्मा है। आइए हम सब भी अमृत काल में एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाते भारत के साथ आगे बढ़े और स्वागत करें लोकतंत्र के घर संसद के परिसर में बने नव निर्मित भवन का।